जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं आज के दैनिक पंचांग के बारे में, आज के व्रत के बारे में और आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। आज दिनांक 26 फरवरी 2022 दिन शनिवार। शनिवार शनिदेव और हनुमान जी का दिन माना गया है। आज जिनका भी जन्मदिन है उनको उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका भी विवाह का सालगिरह है उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे YouTube चैनल पे आप जितने भी व्रत और कथा को सुनने वाले हैं तथा पंचांग को सुनने वाले हैं, आप सभी भक्तों के ऊपर शनिदेव और हनुमान जी का कृपा सदैव बना रहे। सभी सदा स्वस्थ रहें और सदा खुशहाल रहें। आज फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की दसवीं तिथि होगी। सुबह 10:40 तक यह समय सनातन पंचांग के अनुसार है और कृष्ण पक्ष की दसवीं तिथि सुबह 8:06 तक यह समय वाराणसी ऋषिकेश पंचांग के अनुसार है। आज के दिन विजया एकादशी का व्रत किया जाएगा। विजया एकादशी का व्रत फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन किया जाता है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। इस व्रत को भगवान श्री राम ने किया था, जिसके कारण इस व्रत के प्रभाव से वह लंका पर विजय प्राप्त कर पाए थे। विशेष प्रकार की एकादशी व्रत के पूजन विधि, शुभ मुहूर्त आदि के बारे में जानकारी या प्राप्ति के लिए या विजया एकादशी व्रत कथा को सुनने के लिए आप वीडियो के आइकन में जाकर के या डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कथा श्रवण कर सकते हैं। सूर्योदय सुबह 6:16 और सूर्यास्त शाम 5:50। चंद्रोदय यानी कि चंद्रमा उदित होंगे रात्रि 2:35 पे और चंद्रास्त यानी कि चंद्रमा अस्त होंगे दोपहर 1:09 पे। सूर्य कुंभ राशि में रहेंगे और चंद्रमा धनु राशि में। यह शिशिर ऋतु है, अयन उत्तरायण रहेगा। योग सिद्धि योग रात्रि 8:52 तक, उसके बाद व्यतिपात योग करण विष्टिकरण सुबह 10:39 तक, उसके बाद बवकरण। नक्षत्र की बात करें तो मूल नक्षत्र सुबह 10:32 तक, उसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। दिशाशूल की बात करें तो आज शनिवार दिन होने के कारण आज के दिन उत्तर पूर्व और ईशान दिशा की यात्रा ना करें, यह लाभकारी नहीं होगा। अगर ज्यादा जरूरी हो घर से बाहर निकलना तो आज के दिन घर से अदरक उड़द की दाल या तिल खाकर बाहर निकले। इससे पहले 5 कदम पीछे चले फिर अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़े। आज शनिवार का दिन है तो शनिवार के दिन शनि देवता का पूजन करें, हनुमान जी का पूजन करें। पीपल के वृक्ष में गुड़ तथा तिल मिश्रित जल डाले तो लाभकारी होगा। पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है और इससे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और विशेष प्रकार से शनि की दशा में कोई कष्ट नहीं होता है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में गुड़ तथा तिल मिश्रित जल डालना चाहिए, इससे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनि देव के मंदिर में जाकर के शनि देव के ऊपर सरसों का तेल चढ़ाएं या सरसों के तेल में अपना मुख देख करके सरसों के तेल का दान करें तो लाभकारी होगा। आज विजया एकादशी का व्रत भी है तो आज का दिन बड़ा ही अच्छा है। पीपल के वृक्ष में जल डाले तो यह अनंत गुना पुण्य फलदायक होगा। अब आइए जानते हैं आज के राहु काल समय के बारे में। राहु काल समय की बात करें तो राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। तो राहु काल का समय होगा सुबह 9:09 से सुबह 10:35 तक। गुली कालम समय होगा सुबह 6:15 से सुबह 7:42 तक। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:39 से दोपहर 12:35 तक। अब आइए जानते हैं आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। चौघड़िया 7 प्रकार की होती है, जिसमें से कि 4 शुभ चौघड़िया और 3 अशुभ चौघड़िया होती है। तो हम जानेंगे केवल आज के दिन और रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं दिन की शुभ चौघड़िया मुहूर्त, जो कि शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त सुबह 7:42 से सुबह 9:08 तक। उसके बाद फिर चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 12:02 से दोपहर 1:29 तक।
उसके बाद फिर लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 1:29 से दोपहर 2:55 तक। उसके बाद फिर अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर 2:55 से शाम 4:22 तक। तो यह थी दिन की शुभ चौघड़िया मुहूर्त। अब आइए जानते हैं रात्रि के शुभ चौघड़िया मुहूर्त के बारे में। लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त जो कि शाम 5:49 से शाम 7:22 तक। उसके बाद फिर शुभ नामक चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 8:55 से रात्रि 10:29 तक। उसके बाद फिर अमृत नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 10:29 से रात्रि 12:02 तक। उसके बाद फिर चर नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 12:02 से रात्रि 1:35 तक। उसके बाद फिर लाभ नामक शुभ चौघड़िया मुहूर्त रात्रि 4:42 से सुबह के 6:15 तक। तो यह थी दिन और रात्रि की शुभ चौघड़िया मुहूर्त। यह विक्रम संवत 2078 आनंद है और शक संवत 1943 प्लव। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञान वर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।